हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक का लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम टॉपिक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है बहुत से लोग अपनी पूरी लाइफ इसी को स्टडी करने में व्यतीत कर देते हैं स्पेंड कर देते हैं लेकिन आपके लेवल पे क्लास ट्वेल्व लेवल पर आपको इसके बारे में बहुत ही बेसिक बातों को ही जानना है तो सबसे पहले देखिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है करता क्या है ये ब्लॉक डायग्राम भी मैंने एन सी के बुक से ही लिया है कम्युनिकेशन सिस्टम में एक तो इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है जिसको इंफॉर्मेशन पास करना है किसी रिसीवर को तो ये इंफॉर्मेशन सोर्स एक मैसेज सिग्नल देता है ये सिग्नल ट्रांसमीटर में जाता है वो ट्रांसमीटर क्या करता है यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो ये देखिए हो गया ट्रांसमिटेड सिग्नल अब ये ट्रांसमिटेड सिग्नल किस रास्ते से जाएगा किस पैसे से जाएगा उस पैसेज को कहते हैं चैनल अब चैनल में रास्ते में उसको नॉइज़ भी मिलेगा वो नॉइज क्या करेगा इस सिग्नल को थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्टॉर्ट करेगा उसमें डिस्टॉर्शन पैदा करेगा तो ट्रांसमिटेड सिग्नल प्लस हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन ये नॉइज़ मिल करके रिसीव्ड सिग्नल होंगे और इस रिसीव्ड सिग्नल को रिसीवर रिसीव करेगा और रिसीवर फिर उस सिग्नल को मैसेज बना करके फाइनल एंड यूज़र को देगा तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें अभी पचासों और बीच के ब्लॉक्स हैं जिनको नहीं दिखाया गया है सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए एम्पलीफायर लगता है सिग्नल को अगर हमें मॉड्यूलेट करना है तो इधर मॉड्यूलेटर लगाना पड़ेगा इधर डी लगाना पड़ेगा तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है अब कम्युनिकेशन कितने मोड से हो सकते हैं देर आर टू बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एक तो होता है पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं यहाँ से मिस्टर ए ने टेलीफोन किया मिस्टर बी को तो बस ए से बी तक ही सिग्नल जा रहा है जो बात ए बोल रहा है वो बात सिर्फ और सिर्फ बी सुनेगा तो ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट मोड ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर आपने एक टीवी टावर या कोई टावर लगा दिया है अब ये टावर यहाँ से सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेगा तो इसके रीजन में जितने भी रिसीविंग स्टेशन होंगे ना सब के सब इस सिग्नल को रिसीव करेंगे तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट या ब्रॉडकास्ट मोड और सिग्नल जो कम्युनिकेशन होता है उसकी जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन फ्रीक्वेंसीज के आधार पर उनकी कैटेगरी ये होती है ये एन के बुक में है आप इसको पढ़ लीजिए हल्का फुल्का मोटा मोटा आइडिया भी रख लीजिए कि ए एम वेव्स जो होती हैं ए एम का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन जो मैं अभी आगे डिटेल में बताऊँगा स्टैंडर्ड एम ब्रॉडकास्ट जो है वो 540 फोर्टी टू सिक्सटीन हंड्रेड किलो हर्ज में होता है फिर एफएम ब्रॉडकास्ट होता है फिर टेलीविज़न का ये रेंज होता है सेलुलर मोबाइल का ये रेंज होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ये रेंज होता है तो एक रफ़ आइडिया आपको होना चाहिए कि किस फ्रीक्वेंसी की सिग्नल का एप्लीकेशन कहाँ होता है इस पर भी बेस्ड कभी कभी आपको जेई मेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैंने देखा है कि एक दो बार ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन उसका वेवलेंथ कितना होगा या उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा है तो ये सब इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें हैं आपको एन की बुक में मिल जाएगा उसको थोड़ा बहुत याद कर लीजिए इसी पर बेस्ड एक जेई मेंस का क्वेश्चन है गिवन बिलो इन द लेफ्ट कॉलम आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग द काइंड ऑफ वेव्स गिवन इन द राइट कॉलम और आपको मैच करना है अब इन सब चीज़ों को याद कैसे रखा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका यह है कि इसमें रडार और सोनार दे रखा है रडार का अगर आपको फुल फॉर्म याद होगा तो ध्यान होगा कि रडार में जो आर होता है वो रेडियो वेव्स के लिए होता है यानी कि ये जो बी है रडार वो एस से मैच करेगा और जो सोनार होता है उसमें जो एस होता है वो साउंड वेव्स के लिए होता है तो सिर्फ साउंड वेव नहीं अल्ट्रासाउंड वेव हो जाएगा तो जो सोनार है सी वो पी से मैच होगा तो देखिए सी पी और बी टू एस ये वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है बाकी चारों ऑप्शन में ये बी टू एस और सी टू पी नहीं है इसलिए इसका सही आंसर बी हो गया वैसे आपको ये भी याद होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है उसमें इंफ्रा लाइट यूज होता है जनरली और मोबाइल फोन्स में माइक्रोवेव्स यूज होते हैं अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या सिग्नल कैसे प्रोपिगेट होता है इसका पहला मेथड होता है ग्राउंड वेव या सरफेस वेव्स यानी कि ग्राउंड के पास पास से आपने वेव को ट्रांसमिट किया है प्रोपिगेट किया है तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो सरफेस वेव्स होते हैं उनका एटेन्यूएशन होता है एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि उसका सिग्नल स्ट्रेंथ घट जाता है ऑब्वियस ही बात है ना मान लीजिए कि यहाँ से आपने कुछ सिग्नल ट्रांसमिट किया तो एज़ डिस्टेंस इंक्रीजेज ऑब्वियसली इसका एम्प्लीच्यूड भी घटेगा इसकी इंटेंसिटी भी घटेगी तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी सरफेस वेव हो या कोई भी वेव हो विथ डिस्टेंस उसका स्ट्रेंथ तो घटेगा ही अब सरफेस वेव में प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी एटेन्युएशन जो है ना इट इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर आप मेगा हर्ज या गीगा हर्ज फ्रीक्वेंसी का कोई वेव अगर सरफेस वेव बनाकर प्रॉपिगेट करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही जल्दी घट जाएगी यानी कि आप उसको किसी भी रीजनेबल डिस्टेंस तक प्रोपगेट या ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं तो ये बात समझ में आई कि जो सरफेस वेव होता है उसका एटेन्यूएशन इंक्रीज करता है विथ फ्रीक्वेंसी देयर फोर सर्फेस वेव्स आर ओनली सूटेबल फॉर स्टैंडर्ड ए एम वेवस ए एम वेव्स मतलब एम्पलीच्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है एएम वेव्स की पिछले स्लाइड में हमने दिखाया था कि जो एएम वेव्स होते हैं स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट में उनकी फ्रीक्वेंसी 540 टू 1600 हंड्रेड किलो हर्ज होती है ये देखने में आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्या रहे? किलो हर्ज में हो गया लेकिन जनरली जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है ना वो गीगा हर्ज मेगा हर्ज में भी जाता है तो उसके कंपेरिजन में ये फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली कम है तो इसीलिए जब भी हम लोग सरफेस वेव के थ्रू किसी वेव का प्रोपगेशन करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होनी चाहिए इससे कम होनी चाहिए अब फ्रीक्वेंसी कम होने से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम क्या होता है देखिए जब भी आप किसी वेव को प्रोपगेट करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे तो ट्रांसमिट करने के लिए आपको एंटीना चाहिए जैसा कि पुराने ज़माने में भी एंटीना होता था ना मान लीजिए कि ये कुछ एंटीना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक थियोरी होती है कि किसी भी वेव को प्रोपेगेट करने के लिए आपको कम से कम लैमडा बाई फोर लेंथ का एंटीना चाहिए यानी कि अगर आप एक वेव को प्रोपेगेट कर रहे हैं और वेव wave का वेवलेंथ मान लीजिए कि 400 मीटर है तो आपको 100 मीटर का एंटीना चाहिए अगर उससे कम लेंथ का एंटीना होगा तो वो वेव को ढंग से प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी क्या है रिलेटिवली कम है तो अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स को प्रोपेगेट करना है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब एंटीना का लेंथ भी आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा ये क्यों होता है क्योंकि एंटीना लेंथ जो है इट शुड बी एट लीस्ट लैमडा बाई फोर फॉर सक्सेसफुल प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ये एक प्रॉब्लम आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं या और भी तरह तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है आगे हम लोग बताएंगे मॉड्यूलेशन बेसिकली ये होता है कि जो सिग्नल हम लोग प्रोपेगेट करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम है मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है कम फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को अगर प्रोपिगेट करेंगे तो बहुत ही लंबा एंटीना चाहिए तो हम लोग एक कैरियर यूज़ कर लेते हैं और उस कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है मेगा हर्ज में हो गई या गीगा हर्ज में हो गई तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब इसका वेवलेंथ कम होगा वेवलेंथ कम होगा इसका मतलब रिक्वायर्ड एंटीना का लेंथ भी कम होगा तो इस चीज़ को हम लोग आगे डिटेल में और समझेंगे जब हम लोग मॉडुलेशन की बात करेंगे यहाँ पर आप यही देखिए कि सरफेस वेव जो होता है वो सिर्फ ए एम ब्रॉडकास्ट वेव्स इसके लिए सूटेबल है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका एटेन्यूएशन होगा इसका स्ट्रेंथ घटने लगेगा दूसरा मोड होता है स्काई वेव्स स्काई वेव्स में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि एटमोसफेयर में आइनोसफेयर है ये तो सबको पता होगा तो अगर आपका वेव जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज उसका थ्री टू थर्टी मेगा हर्ज या फोर्टी मेगा हर्ज तक है तो लॉन्ग डिस्टेंस कैन बी अचीव बाय आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बैक टुवर्ड्स द अर्थ यानी कि यहाँ से आपने वेव्स छोड़ी ट्रांसमिट किया वो यहाँ पर जो आइनोस्फेयर है उससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा और यहाँ पर रिसीवर होगा यहाँ रिसीवर है यहाँ पे ट्रांसमीटर होगा तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है स्काई वेव में और इसका यूज़ किस लिए होता है शॉर्ट वेव के ब्रॉडकास्ट सर्विसेज़ में शॉर्ट वेव का मतलब क्या हुआ कि उसकी वेवलेंथ छोटा है यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये जो शॉर्ट वेव है ना ये पुराने ज़माने में बहुत इसका नाम होता था हर बच्चा जानता था कि शॉर्ट वेव क्या होता है मीडियम वेव क्या होता है पुराने ज़माने में हर बच्चा इसलिए जानता था भले उसने फिजिक्स का भी पढ़ा नहीं हो क्योंकि एटीज़ में पुराने ज़माने में जो रेडियो होता था उसमें जनरली टू बैंड होता था लोग बोलते भी थे कि दो बैंड का रेडियो है ये आजकल तो वो रेडियो मिलेगा ही नहीं आपको कहीं दिखाई नहीं देगा और उसमें दो बैंड जो होता था मीडियम होता था एक बैंड और एक होता था शॉर्ट बैंड और हम लोग बैंड कैसे चेंज करते थे मैं भी काफ़ी सुनता था और मेरे रेडियो में भी मीडियम बैंड और शॉर्ट बैंड था तो पीछे में एक हल्का सा बटन टाइप का होता था बटन को आप इधर कर दीजिए तो मीडियम बैंड हो गया और इधर कर दीजिए तो शॉर्ट बैंड हो जाता था और शॉर्ट बैंड में जनरली आवाज़ उतना क्लियर नहीं होता था क्योंकि शॉर्ट बैंड में क्या होता था स्काई वेव्स होती थी यहाँ से ऊपर तक गया वेव्स फिर नीचे होकर आया तो शॉर्ट बैंड जो होता था ना उसमें दो तीन ही रेडियो स्टेशन होता था आई थिंक रेडियो सिलोन वगैरह होता था बाकी जितने भी होते थे विविध भारती वगैरह आकाशवाणी वो सब मीडियम बैंड में होते थे मीडियम बैंड में साउंड की क्वालिटी भी अच्छी होती थी क्योंकि वो सरफेस वेव या ग्राउंड वेव के थ्रू आता था तो शॉर्ट वेव का कम्युनिकेशन स्काई वेव के थ्रू होता है और ये कैसे होता है द आइनोस्फेरिक लेयर एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टर फॉर सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज थ्री टू थर्टी मेगा हर्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन थर्टी मेगा हर्ज पेनीट्रेट द आइनोस्फेयर एंड स्केप तो देखिए अब तक हम लोगों ने क्या सीखा अगर बहुत लो फ्रीक्वेंसी है तो पिछला स्लाइड में जो दिखाया था ना ग्राउंड वेव या सरफेस वेव उसके थ्रू आप कर लीजिए क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे उसके थ्रू आप प्रोपिगेशन कर लीजिए क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे एटेन्यूएशन कम हो रहा है उससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई यानी कि थ्री टू थर्टी मेगा तो आप स्काई वेव का यूज़ करिए आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्शन कर लीजिए और आइनोसफेयर से रिफ्लेक्शन क्यों होता है क्योंकि एटमोसफेयर में वहाँ पर आयन्स का कंसन्ट्रेशन बढ़ जाता है आयन्स का कंसन्ट्रेशन कैसे बढ़ता है वो सब भी आपको एन में दो तीन लाइन में थेरेटिकली समझा रखा है वो आप देख लीजिएगा क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो सन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है लेकिन ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी भी घटती जाती है तो एक मिडिल लेयर होता है जहाँ पर आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उसी को कहते हैं आयनोस्फेयर स्काई वेव का प्रोपोगेसन देखिए ऐसे होता है यहाँ से एक ट्रांसमीटर ने वेव प्रोपोगेट किया ये जो आयन स्फेयर है वहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई कुछ वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती हैं वेव प्रोपोगेशन में एक और कॉन्सेप्ट होता है स्पेस वेव का स्पेस वेव में क्या होता है कि जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वहाँ से वेव निकलता है और वो स्ट्रेट लाइन में रिसीविंग एंटीना पे पहुँचता है ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रांसमीटर है टावर है यहाँ से वेव्स निकलेगी और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ नज़र के सामने से बिल्कुल यानी है कि है ना कि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसकी नज़र जहाँ तक जा सकती है ना यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक जा सकती है तो उस पूरे एरिया में वो वेव ट्रांसमिट कर सकता है तो ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन हो गया ये रिसीविंग स्टेशन हो गया और इस स्पेस वेव कम्युनिकेशन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्योंकि ये नज़र के सामने से हो रहा है बिल्कुल जहां तक आपकी नजर जा सकती है वहां तक कम्युनिकेशन हो रहा है और ये जनरली अब 40 मेगा हर्ज के लिए यूज किया जाता है अब इस डी और डी को कैसे फाइंड किया जाए इस डी और डी की वैल्यू ये होती है डी टी इज टू रूट अंडर टू आर एच टी वेर एच टी इज द हाइट ऑफ दिस ट्रांसमीटर टावर ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा

और मान लीजिए कि ये जो टावर है ना ये एच हाइट का है टावर आपने यहां से यहां ओ से लेकर के पी डिस्टेंस तक ये जो है ये टावर है उसका हाइट एच है अब टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से सिग्नल कहां तक जा सकता है इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक जा सकता है क्योंकि इसके आगे तो अर्थ सरफेस उसको मिलने लगेगा तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन तो होगा नहीं तो टावर के टॉप पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करिए सरफेस ऑफ अर्थ पे जहाँ तक वो टैंजेंट जा सकता है उस डिस्टेंस तक ये वाला जो शेडेड एरिया है ना ये हो गया कवरेज एरिया ऑफ दिस टावर तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये ओपी हो गया टावर अब टावर के टॉप पॉइंट से सिग्नल निकल रहा है तो सिग्नल यहाँ तक और यहाँ तक जाएगा इसके आगे सिग्नल नहीं जा पाएगा लाइन ऑफ साइड कम्युनिकेशन में क्योंकि इसके आगे जाने पे वेव्स जो हैं वो अर्थ के सरफेस से टकराने लगेंगी अब हमें पता करना है कि ये वाला डिस्टेंस जो है डी ये कितना है अब इस डिस्टेंस को फाइंड करे या ये वाला डिस्टेंस डी फाइंड करे दोनों सेम होगा क्यों सेम होगा अप्रोक्सीमेटली ही सेम होगा लेकिन सेम होगा इसलिए सेम होगा क्योंकि हाइट ऑफ टावर एच जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा होगा ऑब्वियस सी बात है ना एच विल मच मच लेस देन आर हाइट ऑफ टावर कितना होगा बहुत होगा तो एक किलोमीटर दो किलोमीटर होगा बहुत ज्यादा हुआ तो लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर होता है तो एच जो है वो आर से बहुत छोटा होगा तो उस अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस डी है पी ए को हम लोग डिस्टेंस डी मानते हैं तो अप्रॉक्सीमशन ये हो जाएगा कि दिस ओ ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू डी ये अप्रोक्सीमेशन देखिए हमने क्या लिखा ओ ए है ये वाला डिस्टेंस जो हमें एक्चुअली पता करना है कि कितनी दूर तक सिग्नल जा सकता है अर्थ सरफेस के अलॉन्ग लेकिन इस डिस्टेंस को फाइंड करें या ये वाला डिस्टेंस पी ए फाइंड करें दोनों सेम होगा क्योंकि ये एच डिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल होगा छोटा होगा एज कंपेयर टू अर्थ रेडियस तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि दिस ओ ए विल बी अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू डी अब इस डी को कैसे फाइंड किया जाए इस डी को आप इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ से ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो अब इस बड़े वाले ट्राइंगल पी सी ए इस ट्राइंगल में देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो पी सी क्या हो गया पी सी हो गया हाइपोटोनियस तो हम लोग लिख सकते हैं पी सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर ये लिख सकते हैं तो पी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा पी सी है आर प्लस एच तो ये हो जाएगा आर प्लस एच होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए पी कितना है ए पी है डी तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर तो एल एच एस को एक्सपैंड करिएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर एच एक टर्म आएगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अब एल एच एस और आर एच एस से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए और एच स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू टू आर एच तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटलीक्वल टू टू आर एच या हम लोग ये कर दें कि डी इज़ इक्वल टू रूट अंडर टू आर एच तो ये फार्मूला डिराइव हो गया कि कितने डिस्टेंस तक ये डिस्टेंस डी हुआ अप्रोक्सीमेटली ही सही लेकिन यहाँ तो सब कुछ अप्रोक्सीमेट चल रहा है ना क्योंकि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो इस एच से बहुत ज़्यादा होता है तो ये डिस्टेंस डी जो है वो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है रूट अंडर टू आर एच अब यहाँ पर अगर एक रिसीविंग स्टेशन भी हो तो उसका भी कवरेज एरिया इसी से आ जाएगा बस वहाँ पर हाइट ऑफ रिसीविंग स्टेशन हो जाएगा तो अगर एक रिसीविंग स्टेशन भी हो तो टोटल डिस्टेंस ऑफ कवरेज क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू रूट अंडर टू आर एच टी कर देते हैं एच टी मतलब ट्रांसमिट करने वाले टावर का हाइट प्लस कर दीजिए रूट अंडर टू आर एच आर कर दिया मतलब जो रिसीविंग स्टेशन है उसका हाइट तो ये फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस जहाँ तक कवरेज हो सकता है दो टावर के कारण एक टावर ट्रांसमिटिंग टावर है दूसरा टावर रिसीविंग टावर है तो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले पे भी बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन इसका कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको आर की वैल्यू और फिर रूट वगैरह लेना पड़ता है आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी ही होगी आर की वैल्यू कितनी होती है सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर होती है वो दे रखा होता है लेकिन उसका आप रूट वगैरह लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और इस फॉर्मूले से आप ये भी देखिए कि हमने जो अभी डिराइव किया ना डी इज कल टू रूट अंडर टू आर एच तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एरिया ऑफ कवरेज अर्थ सरफेस पे टोटल एरिया जो कवर हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा ऑब्वियसली वो पाई डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्योंकि यहाँ से डी डिस्टेंस है ना तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो अर्थ है उतने छोटे से डिस्टेंस में फ्लैट ही उसको मान लेते हैं वैसे तो अर्थ स्फेरिकल हो जाएगा लेकिन ये एज्यूम कर रहे हैं कि डी छोटा ही होगा तो एरिया ऑफ कवरेज अप्रोक्सीमेटली पाई डी स्क्वायर हो जाएगा तो इस फॉर्मूले से हम लोग डी की वैल्यू यहाँ सेट करें तो एरिया ऑफ कवरेज अप्रॉक्सीमेटली जो है वो पाई इंटू टू आर एच इसके बराबर हो जाएगा यानी कि एरिया ऑफ कवरेज किसके प्रोपोर्शनल हो गया हाइट के प्रोपोर्शनल हो गया यानी कि जितना ज़्यादा हाइट का आप टावर लगाइएगा उतना ज्यादा एरिया होगा एरिया ध्यान रखिए अगर सिर्फ डिस्टेंस की बात होगी तो वो जो डिस्टेंस है वो रूट ऑफ हाइट ऑफ टावर उसके प्रोपोर्शनल होता है यहां से देख रहे हैं ना डीज कल टू रूट अंडर टू आर एच हो रहा है तो इसी कॉन्सेप्ट और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड तीन ये प्रॉब्लम है तीनों जे मेंस 19 का है दूसरा प्रॉब्लम तो देखिए बहुत ही आसान है पहला और तीसरे में तो कैलकुलेशन करना है दूसरा तो बहुत ही सिंपल है टू डबल द कवरिंग रेंज ऑफ अ टीवी ट्रांसमीटर इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है हम लोग जानते हैं कि जो कवरिंग रेंज होता है d इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर टू आर एच ये होता है ना तो इसको आपको डबल करना है d को डबल करना है तो d को डबल करने का मतलब 2d करना है तो इधर अगर आपको टू टाइम्स करना है तो हाइट को फोर टाइम्स करना पड़ेगा अगर आप टू आर एच की जगह फोर एच लिखिएगा तभी तो फोर का स्क्वायर रूट लेने पे टू आएगा तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो सिंपल ये क्वेश्चन था कि इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई फोर अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल है सिंपल फॉर्मुला बेस्ड है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है इन अ लाइन ऑफ साइट रेडियो कम्युनिकेशन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर इज केप्ड बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज इफ़ द हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज 70 मीटर देन द मिनिमम हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना शुड भी रेडियो सफर देखिए दे रखा है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल है डिस्टेंस हम लोग जानते हैं किस फॉर्मूले से आता है रूट अंडर टू आर हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर प्लस रूट अंडर टू आर हाइट ऑफ रिसीविंग टावर होता है दोनों में रूट अंडर टू आर कॉमन है तो भाई उसको बाहर ले लो टू आर इधर आ जाएगा रूट एच टी प्लस यहाँ आ जाएगा रूट एच आर अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है डी ये भी दे रखा है रेडियस ऑफ तो ऑब्वियसली दे रखा है हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना दे रखा है तो आपको पता क्या करना है एच टी आसानी से आप पता कर सकते हैं आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा डी बाई रूट अंडर टू आर दिस इज इक्वल टू रूट अंडर एच टी प्लस रूट अंडर एच आर तो रूट अंडर एच टी क्या हो जाएगा डी बाई रूट अंडर टू आर माइनस रूट अंडर एच आर तो आपको रूट अंडर एच आर फाइंड करना पड़ेगा और डी बाई रूट अंडर टू आर अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस चीज़ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए वन बाई रूट अंडर टू आर इसका इनफैक्ट अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर वगैरह से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है ट्वेंटी एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव तो कुछ बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं अब याद कर लीजिए लेकिन याद करके भी कितना टाइम बचा पाइएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर रूट अंडर एच आर दे रखा है रूट एच आर क्या हो गया रूट सेवेंटी तो वहाँ भी कुछ अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा अब पता नहीं इस टाइप का क्वेश्चन जेई मीनस में क्यों देते हैं क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर इसको करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो ये सब कैलकुलेशन करिएगा इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा की वैल्यू आ जाती है इसमें थर्टी टू ऑप्शन तो सही है इसी तरह से ये ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये भी वैसा ही है। हाइट ऑफ द रिसीविंग इज 40 मीटर व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कैन बी ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम द टावर इन एलओ एस लाइन ऑफ साइट मोड बहुत सिंपल होगा क्या फॉर्मूला इसका हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू आप लिखिए रूट अंडर टू आर हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर प्लस रूट अंडर टू आर हाइट ऑफ रिसीविंग टावर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए ये सब करिएगा तो डी की वैल्यू शायद 65 किलोमीटर आ जाएगी कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर इसका ए आ जाएगा